ओके हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप जो है इरोडूब का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.1 पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर पॉसिबल होगा तो हम उस कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए, टाउ इक्वल्स टू 60 मिनट लेटर इट टर्न्स बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस एल इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कॉन्स्टेंट। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कहना है कि कोई मोटर बोट मान लीजिए कहीं से आ रही है, लेकिन जैसे ही वो पॉइंट ए पर पहुंचती है किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर उसे एक राफ्ट मिलता है और उस राफ्ट के साथ वहाँ से ऑब्जर्वेशन हमारा स्टार्ट होता है। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है जो है, जहाँ से मोटर बोट और राफ्ट एक साथ चलते हैं, मतलब कि जो कि पॉइंट ए पर दोनों मिलते हैं। ए से चलते 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 कितना टाइम लगा, टाउ इक्वल्स टू 60 मिनट मीन्स 1 आवर, 1 घंटे के बाद लेटर टर्न बैक। मोटर बोट क्या होता है, टर्न बैक होता है, ये पॉइंट ए है, मोटर बोट टर्न बैक हुआ, बैक आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। कुछ समय के बाद उस मोटर बोट को, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट सी, मोटर बोट इस पॉइंट सी पर मिलता है, इसे जो है मोटर बोट और राफ्ट दोनों इस पॉइंट सी पर मिलते हैं, जब उस टाइम पर एट द सेम टाइम राफ्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। ओके, तो ये हो गया अपना, राफ्ट और मोटर बोट इस पॉइंट पर मिलते हैं किसी टाइम टी पर। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद मोटर बोट और राफ्ट फिर से मिलते हैं। वो कब मिले, मोटर बोट और राफ्ट एक साथ चले, बट मोटर बोट बी से टर्न लेने के बाद जब पॉइंट सी पर आता है कुछ टाइम के बाद, तो वो मोटर बोट और राफ्ट दोनों यहाँ पॉइंट सी पर मिलते हैं और राफ्ट जो है पॉइंट ए से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होता है जो है। ओके, ऐसी सिचुएशन है। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं जो है, अगर अब ये फिक्स हो गया है कि मोटर बोट वाटर में जो है फ्लो हो रही है अपनी खुद की, उसकी जो स्पीड है और कुछ जो है वाटर की स्पीड होगी, तो हम आप यहाँ मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट, द वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट एंड फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर मीन्स फ्लो वेलोसिटी आर V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो पहले हम आप फाइंड करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे बेस्ट इक्वेशन क्या बनेगा, पहला कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोटर बोट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोटर बोट फ्रॉम बी टू सी प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द राफ्ट फ्रॉम ए टू सी। ऊपर की डिस्टेंस और नीचे की, इन दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा, इन दोनों को इक्वल कर देंगे और एक इक्वेशन मिल जाएगा जो है राफ्ट से। राफ्ट क्या होगा कि यहाँ से इस डिस्टेंस तक आने में उसे 6 किलोमीटर की डिस्टेंस चलनी पड़ी। ओके, तो हम आप नोट कर सकते हैं कि सिंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटर बोट
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटर बोट फ्रॉम ए टू बी, फॉर ए बी, ए बी के लिए कितना चलेगा, क्या होगी वेलोसिटी ऑफ अपेयरिंग वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट, मतलब कि उसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है v1, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो क्या है, कौन सी वेलोसिटी, डाउन स्ट्रीम, किधर चलता है, डाउन स्ट्रीम मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी मोटर बोट की वो क्या होगी, v1 + v2। टाइम कितना लगा, 1 आवर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज v1 + v2 × 1, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोटर बोट मूविंग फ्रॉम ए टू बी, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोटर बोट मूविंग फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी के लिए क्या होगा, v1 - v2 इंटू टी, ये टाइम। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द राफ्ट 6 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द राफ्ट ये कितनी है, 6 किलोमीटर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ राफ्ट इज v2 इंटू कितना टाइम लिया इसने, जितने टाइम में मोटर बोट ए से बी प्लस बी से सी का टाइम लिया उतने में राफ्ट ए से सी पे पहुंचा, मींस 1 आवर + t आवर्स इतना टाइम लिया। तो ये हमारा, हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और ये दोनों मिलकर के एक इक्वेशन बना देंगे। तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटर बोट गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज कितनी हो गई, v1 + v2 × 1 आवर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटर बोट मूविंग फ्रॉम बी टू सी इज v1 - v2 × t प्लस डिस्टेंस ट्रेवल v2 1 + t। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट v1 + v2 इज इक्वल्स टू v1 t - v2 t v2 + v2 t v2 t से v2 t कैंसिल हो गया, और ये v2 से v2 इधर कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास v1 t - v1 इज इक्वल्स टू 0। v1 को हमने कॉमन ले लिया, v1 - t इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर देखिए v1 × t - 1 इज इक्वल टू 0, तो v1 इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज v1 विद द वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट, तो v1 तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब इस इक्वेशन में t - 1 इज इक्वल मस्ट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आवर्स आ गया, 1 घंटे आ गए, 1 आवर। तो अब इस t की वैल्यू कहीं भी हम ये रख देते हैं जो है किसमें, putting the value of t in equation 1, putting the value of t in equation 1, 1 क्या है, 6 is equals to v2 1 plus t, t की जगह क्या रख दिया 1, therefore v2 is equals to क्या हो गया, 3 km/h 3 km/h, दिस इज द आंसर। ओके, तो एक बार फिर से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक जो है मोटर बोट चल रहा है, किसी पॉइंट ए पर आते ही वो राफ्ट के साथ चलना स्टार्ट करता है। तो ये जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है अपना, ये पॉइंट ए से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है, तो हमने मान लिया कि चलिए पॉइंट ए से चलता है, ए से राफ्ट और मोटर बोट दोनों साथ में चले, बी पे पहुंचे, बी से फिर मोटर बोट सी पर आ गया, बट राफ्ट अपना वाटर की स्पीड से चल रहा है जो है, फ्लो ऑफ वाटर से, फ्लो वेलोसिटी से। तो हमने क्या किया, दोनों की वेलोसिटी मान ली, फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोटर बोट फ्रॉम ए बी, ए बी डिस्टेंस v1 + v2 × t वेलोसिटी इंटू टाइम, अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटर बोट फॉर बी सी, बी सी के लिए क्या हो गया, v1 - v2
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो ये क्या था डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम हो जाएगा। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लो, क्योंकि उसके अगेंस्ट चलता है। तो वी वन माइनस वी टू इंटू टी, टी टाइम के लिए चला। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई द राफ्ट 6 किलोमीटर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ राफ्ट मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर वन। और फिर हमने जो है देख लिया कि ए बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटर बोट मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू बी सी, डिस्टेंस बी सी प्लस सी ए। तो हमने ये इक्वेशन बैलेंस कर दिया और फिर इसे सॉल्व कर दिया, टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दिया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो वेलोसिटी आ गई जो ये पूछ रहा था, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। तो फ्लो वेलोसिटी इज वी टू, जैसा कि हमने यहाँ कंसिडर किया है। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, थैंक यू।